तो दोस्तों आज के वीडियो में आइए शुरू करते हैं 7 मई के करंट अफेयर। सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च करें। तो 5 मई और 6 मई के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसको एक बार हम लोग रिविजन कर लेते हैं। देखिए, देश में पहली बार इंसानों से जानवरों में भी कोविड-19 का संक्रमण फैल रहा है और जो पहला मामला है ये तेलंगाना के हैदराबाद के एक जू में देखने को मिला है, इसको जरूर याद रखिएगा। लॉन्ग मार्च 5B Y2 रॉकेट जो पृथ्वी पर गिरने वाला है, इसका संबंध चाइना से है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये अभी हाल ही में 3 मई को मनाया गया, और पुर्तगाली ग्रां प्रिक्स को जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने, और 29वां युद्धवीर मेमोरियल अवार्ड से नवाजा गया है डॉक्टर इविता फर्नांडीज को, और वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। थिसारा परेरा, जिनका संबंध श्रीलंका से है, उन्होंने अभी हाल ही में, ऑलराउंडर थे ये और पूर्व क्रिकेट कप्तान भी थे, इन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। पद्म भूषण से सम्मानित पंडित देवव्रत चौधरी का अभी हाल ही में कोरोना से निधन हो गया है। और हाल ही में G7 जो कंट्रीज हैं, इनके विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई है, ये बैठक वर्चुअली हुई थी और इसको संबोधित किया गया था मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा, जिसमें भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया गया विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। हाल ही में किस प्रदेश के पूर्व राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा का निधन हो गया, तो ये थे जम्मू और कश्मीर के। यूके की वैश्विक ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज ने 2021-22 जो फाइनेंशियल ईयर है, इसके लिए भारत की GDP पूर्वानुमान को घटाकर, पहले ये 11% था, अब इससे कम करके इसे 10% पर रख दिया गया है। और विश्व टूना दिवस अभी हाल ही में 2 मई को मनाया गया, टूना एक मछली होती है। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है T. रविशंकर जी को। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा प्रतियोगिता में हेर फेर रोकने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में 2 लोगों को नामित किया गया है। एक नाम PV सिंधु का है, ये भारतीय हैं, और एक है मिशेल ली, ये कनाडा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं अब आज के प्रश्न, यानी कि 7 मई के प्रश्न। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स कब मनाया गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, यानी कि 5 मई को प्रतिवर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी किसके द्वारा, WHO के द्वारा 1992 से। मैं आपको यहाँ पर 2021 और 2020 दोनों वर्ष की थीम बता देता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर कभी कभी एक साल पुरानी थीम भी पूछी जा रही है। तो 2021 की थीम रखी गई है फॉलो द डेटा इन्वेस्ट इन मिडवाइव्स, और 2020 में ये थीम थी सेलिब्रेट डेमोन्स्ट्रेट मोबिलाइज यूनाइट आवर टाइम इज नाउ। और ये जो दोनों वर्ष हैं 2020 और 2021, ये कोविड-19 से संबंधित वर्ष हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो महानिदेशक हैं, इनका नाम है टेड्रोस अदनोम, और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय मिलेगा आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख चौधरी अजीत सिंह का कोरोना से निधन हो गया, राष्ट्रीय लोक दल की स्थापना कब हुई थी, और इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। जी हाँ, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो राष्ट्रीय लोक दल भारत का एक राजनीतिक दल है, जिसके अध्यक्ष और संस्थापक थे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र अजीत सिंह जी। हाल ही में इनका निधन हो गया है। चौधरी अजीत सिंह के पुत्र, जो नाम है इनका जैन चौधरी, ये जो पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के वर्तमान में मुख्य उपाध्यक्ष हैं। और हाल ही में कोरोना से श्री अजीत सिंह का 82 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे चौधरी अजीत सिंह उत्तर प्रदेश के बागपत से 7 बार सांसद रहे और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चर्चा में रहा Sputnik V टीके को किस देश ने विकसित किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वर्तमान में इस समय भारत में लगभग 4 प्रकार के टीके हो गए हैं। एक तो आपका जो कोविशील्ड है, दूसरा कोवैक्सीन,
स्पुतनिक वी भी जो है अब ये धीरे धीरे प्रचलन में आने वाला है भारत में। और इसके अलावा एक अमेरिकन कंपनी है, उसके टीके को भी, जिसको मेडर्ना नाम दिया गया है, उसको भी मंजूरी मिल गई है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। तो स्पुतनिक वी के बारे में आप जानते होंगे, इसका संबंध है रूस से, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और स्पुतनिक वी को 12 अप्रैल को भारत सरकार से मंजूरी मिली थी। शीघ्र ही रूस 150,000 टीके भारत भेज रहा है, जून तक 50 लाख और जुलाई तक कुल 1 करोड़ से अधिक स्पुतनिक टीके की डोज भारत पहुंच जाएगी। एक बात और याद रखना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी एग्जाम, वो ये है कि रूस दुनिया का पहला देश है जिसने जानवरों के लिए भी कोरोना की वैक्सीन बनाई है और इसका नाम रखा गया है कार्निवैक कोर। और जैसा कि आप जानते हैं भारत में अभी हाल ही में 8 शहरों में भी कोविड का संक्रमण देखा गया। हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, जिसको आप कहेंगे वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, ये मनाया गया। और ये कब मनाया गया, ये क्वेश्चन है। सही आंसर होगा इसका अभी हाल ही में 5 मई को मनाया गया विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। और 2021 के लिए इसकी थीम रखी गई है सेकेंड सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। और यह दिन हाथ धोने की सबसे प्रभावी क्रियाओं में से एक के रूप में अपनी पहचान रखता है, जिसे COVID-19 वायरस सहित संक्रमणों की एक विशाल श्रृंखला से बचने के लिए अपनाया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है, टेड्रोस एडहानम, मैं आपको ऑलरेडी एक बार बता चुका हूँ। और इसका मुख्यालय मिलेगा आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में। मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को किस संगठन ने हाल ही में मंजूरी प्रदान की है, इस वैक्सीन के बारे में मैंने आपको बताया। ये चौथी वैक्सीन है जो भारत में प्रयोग की जाएगी, मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन, और इसको जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। मॉडर्ना एक अमेरिकी बायोटेक कंपनी है और इस कंपनी में भारतीय उद्योगपति अजीम प्रेम जी का भी इन्वेस्टमेंट है। मैसाचुसेट्स स्थित कंपनी मॉडर्ना इंक अभी mRNA-1273 नाम की दवा को, मतलब इसको विकसित कर चुकी है और इसको जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी भी मिल चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पर्वत जलधारा योजना किस राज्य ने शुरू किया है, नाम से यह स्पष्ट है। यह जो योजना है ये जलधारा यानी कि वाटर लेवल से संबंधित है और इसको स्टार्ट किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक्वीफर्स को पुनर्जीवित करने के लिए और इसे पुनर्भरित करने के लिए, एक्वीफर्स क्या होता है, पृथ्वी की वो सतह जहाँ पर पानी का एक लेवल रहता है और किन्हीं कारणों से वो लेवल अगर सूख रहा है तो उसको फिर से भरने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि जो ये पानी की का लेवल है, ये जो पुराना स्रोत है, इसको पुनर्जीवित किया जा सके। आप जानते हैं कि इस समय वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी, गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। और एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और वो ये है, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों के नाम पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश के जो प्रमुख दर्रे हैं उसमें एक नाम रोहतांग दर्रा का है, दूसरा नाम है सिपकीला दर्रा और तीसरा नाम है बड़ा लाचा दर्रा। ये 3 दर्रे हैं, इसके अलावा कोई और दर्रे का नाम एग्ज़ाम में अक्सर नहीं पूछा जाता है, तीनों ही पूछे जाते हैं। हाल ही में किसे यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के 2021वें एडिशन से सम्मानित किया गया है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये तस्वीर किसकी है। अगर रवीश कुमार के बारे में बात करेंगे तो ये रवीश कुमार बिल्कुल नहीं है, रवीश कुमार को 2019 में सम्मानित किया गया था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से, पत्रकारिता का पुरस्कार होता है। और यहाँ पर श्यामला गणेश का भी नाम आ रहा है। श्यामला गणेश को अभी हाल ही में जापान के एक पुरस्कार राइजिंग सन ऑफ द जापान से सम्मानित किया गया है। और वर्तमान में ये जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब होगा मारिया रेसा। मारिया रेसा को जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के 2021वें एडिशन से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। आपको बता दें मारिया रेसा को यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के 2021 के विजेता के रूप में नामित किया गया है और इसमें $25,000 का पुरस्कार यूनेस्को के अनुसार विशेष रूप से खतरे की स्थिति में प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा या संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार का नाम कोलंबियाई पत्रकार गुइलेर्मो कैनो इसाजा के नाम पर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी
हार्नेसिंग प्लांट स्टार्ट किया है, ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट इसको स्टार्ट किया गया है सिक्किम में। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी है, याद रखना सही आंसर है इसका ऑप्शन बी। और भारतीय सेना ने आईआईटी मुंबई के सहयोग से हाल ही में सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट को स्टार्ट किया है, ठीक है। और यह प्लांट वनेडियम एक धातु है जो कि केवल अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, उसी पर ये आधारित है, तो इसको आप याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नए MD कौन बनाए गए हैं? कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नए MD बनाए गए हैं महेश बाला सुब्रमण्यम। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यानी कि KLI ने 1 मई को इस बात की घोषणा की है कि उन्होंने महेश बाला सुब्रमण्यम को कंपनी का प्रबंध निदेशक यानी कि MD नियुक्त किया है और उन्हें जी मुरलीधर की सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में ICICI बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। क्यों लगाया गया? क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रतिभूतियों को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में स्थानांतरित करने के मामले में अपने निर्देशों का पालन न करने के लिए ICICI बैंक पर यह जुर्माना लगाया है। जैसा कि आप जानते हैं ICICI बैंक का मुख्यालय मिलेगा मुंबई में। वर्तमान में इस बैंक के CEO हैं संदीप बख्शी। इसकी स्थापना हुई थी जून 1994 में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना को लॉन्च किया है? गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना, इस योजना को शुरू किया गया है ओडिशा में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इस स्वास्थ्य बीमा योजना से राज्य के जो 6500 से अधिक पत्रकार हैं उनको जो लाभ मिलेगा, राज्यपाल हैं गणेशी लाल जी, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी। तो फ्रेंड्स अब बारी है क्विज नंबर 6 की। मैंने आपसे सवाल ये किया था कि कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? इसका सही आंसर था ऑप्शन सी यानी कि 90 dB से अधिक नहीं होना चाहिए। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है और वाकई आप लोगों के आंसर पढ़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए नाम भले ही मैं यहाँ पर ना ले पाऊँ लेकिन मैं सभी के नाम पढ़ता हूँ और वहाँ पर मैं आप सभी के जो कमेंट्स हैं उसको लाइक भी करता हूँ। फिलहाल आज जो नाम यहाँ पर मैं फीचर कर रहा हूँ, नाम है शिवम प्रताप सिंह का। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत ही अच्छा आंसर बताया है कि इसकी आवाज़ 90 dB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अक्सर इसकी जो आवाज़ होती है वो 90 से 100 dB तक रहती है, ठीक है। और अब बारी है आज के क्विज की। बताइए कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है, ये हैं आपके ऑप्शन और इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा डिटेल में, हमें प्रतीक्षा रहती है। जो भी अच्छा आंसर होगा उसे मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर उसका नाम फीचर हो। तो शीघ्र ही मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विद ज्ञान प्रकाश।